चेल्सी हैव फाइनली बीन बॉट बाय अ न्यू ओनर, टॉड बोली का एक कंसोर्टियम जो वो लीड कर रहा था, दे हैव फाइनली अग्रीड टू बाय चेल्सी फॉर द वैल्यू ऑफ 4.25 बिलियन पाउंड्स। और दिस ब्रिंग्स टू एन एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी वेरी ड्रेनिंग सागा, एक बहुत ड्रेनिंग सागा बन गई थी स्पेशली फॉर चेल्सी फैंस की भाई कभी आपको वुडी जॉनसन खरीद रहा था जो न्यूयॉर्क जेट्स का ओनर था, कभी आपको एक सऊदी लेड कंसोर्टियम खरीद रहा था, कभी सर जिम रैटक्लिफ की आ रही थी कि वो खरीदना चाहते हैं, कि इट वॉज जस्ट सो मेनी नेम्स बींग थ्रोन अराउंड। फाइनली चेल्सी हैव गॉट अ न्यू ओनर, द होल टेक ओवर प्रोसेस विल एंड बाय द एंड ऑफ मे, और फाइनली चेल्सी फैंस कैन रिजॉइस, क्योंकि जो भाई इंस्टेबिलिटी थी पूरी क्लब के सराउंडिंग की, भाई फ्यूचर में क्या होगा, प्रीमियर लीग से एक्सपेल होने की बात हो रही थी, वो सब अब फाइनली खत्म हो। बट बिफोर वी बिगिन, वी वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर द कंटिन्यूड सपोर्ट ऑफ द संडे लीग पंडित्स। वन फुटबॉल इज आर गो टू ऐप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अपडेट्स वी नीड रिगार्डिंग ट्रांसफर्स, टेक ओवर्स, स्पेशली द चेल्सी टेक ओवर, इंजरीज, मैच अपडेट्स, एनी सॉर्ट ऑफ अपडेट्स वी नीड रिगार्डिंग आर फेवरेट क्लब। वन फुटबॉल ऑलवेज हैज कवर्ड विद इंस्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स, सो आई सजेस्ट यू डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप राइट नाउ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, डाउनलोड द ऐप एंड कीप सपोर्टिंग द संडे लीग पंडित्स। चेल्सी के नए ओनर्स है कौन? टॉड बोली का नाम तो आ रहा था, उसके साथ चार लोग और हैं, क्लियर लेक कैपिटल जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, मार्क वॉल्टर जो इसका पार्टनर है, हु ओन्स द एलए डॉजर्स एंड एलए लेकर्स अलॉन्ग साइड हिम, हैंस जो एक विस जो एक स्विस बिजनेसमैन है, एंड जोनाथन गोल्डस्टीन जो एक ब्रिटिश प्रॉपर्टी डेवलपर है। वैसे तो बहुत लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन ओनरशिप आ रही है, अमेरिकन ओनरशिप के लिए वेरी होना चाहिए, बट दिस इज एक्चुअली वेरी स्कैटर्ड ओनरशिप, क्योंकि जोनाथन गोल्डस्टीन स्पर्स सपोर्टर है, गुरुजी बहुत खुश हो रहे होंगे इस समय, ही इज इंग्लिश ऑब्वियसली, हैंस जो एक विस इज स्विस, मार्क वॉल्टर और टॉड बोली जो आप कह सकते हो फेस ऑफ द कंसोर्टियम है, they are the ones who are American and dono they already own sports franchises in the form of LA Dodgers and LA Lakers. So Chelsea fans skeptical honge, especially rival fans ke aap experiences dekho to jaise United fans as me in particular jo American ownership ko bahut hi zyada nafrat karta hu in terms of the how they perceive football, wo football ko as a solely as an investment and something to gain a profit out of dekhte hain, wo supporters ko itna tawajjuh nahi dete, aur supporters ko itna aap keh sakte ho na jo respect deni hoti hai unke liye, jo फुटबॉल क्लब फॉर शुड बी फॉर द सपोर्टर्स एंड शुड बी सक्सेस ओरिएंटेड, वो ग्लेजर्स ने काफी उस मॉडल को खराब कर दिया है। एंड इवन इफ यू सी आर्सेनल, जस्ट क्रॉन्की ओनर्स हैं, दे आर ऑल्सो अमेरिकन ओनर्स, दे आर ऑल्सो नॉट रियली पॉपुलर विद आर्सेनल फैंस, आर्सेनल फैंस उनसे भी बहुत ना खुश रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो लीचेस एक तरीके से, वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, हालांकि अब आर्टेटा के अंदर दे आर स्लोली लुकिंग लाइक दे आर रिपेयरिंग थिंग्स, जो डैमेज हुआ था उसको रिपेयर कर रहे हैं, बट स्टिल लार्जली देखो तो बहुत आर्सेनल फैंस भी खुश नहीं रहते हैं। एंड लिवरपूल फैंस एक आप कह सकते हो एक्सेप्शन है, क्योंकि उनका जो फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप है, दे आर ऑल्सो अमेरिकन, उसमें लेब्रॉन जेम्स भी एक हैज 2% स्टेक, दे आर मोर हैंड्स ऑन, दे यू कैन से आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोली अर्निंग मनी आउट ऑफ द क्लब, ठीक है उनका इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट मच, बहुत रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लिवरपूल की साइनिंग्स भी देख लो तो लास्ट समर दे ओनली साइन इब्राहिम कोनाटे, वेरी वेरी आप कह सकते हो विद इन देयर मीन्स रहते हैं द लिवरपूल ओनर्स, बट उनका जो सक्सेस उन्होंने वापस ब्रिंग करी है लिवरपूल में विद द यू नो अपॉइंटमेंट ऑफ Jurgen Klopp, mistakes उन्होंने करी, yes, Brendan Rodgers, Roy Hodgson, ये सब अच्छे appointments नहीं थे, but then they fixed that, and आप कह सकते हो पिछले 5-6 साल से कम से कम, they have been on the right trajectory and they have won silverware, और आप ownership को जो आप criticism था, that is largely gone. Chelsea की बात करें तो यार, there is reason to celebrate, क्योंकि यार Todd Boehly जो है, जिसने LA Dodgers में जो उसने investment जो काम किया है, he has brought a lot of success to LA Dodgers, जब से उसने 2014 में खरीदा था, LA Lakers को उसने 2016 में खरीदा था, उनके लिए भी बहुत सक्सेस कोइंसाइड किया टॉड बोली के आने से और मार्क वॉल्टर के आने से भी। तो चेल्सी फैंस का जो यूनाइटेड फैंस को लेके आप कह सकते हो ना, जो आप एक वेरीनेस थी कि यार यूनाइटेड फैंस आपको वार्निंग दे रहे थे, मैं स्पेशली आई वाज आल्सो स्केप्टिकल ऑफ अमेरिकन ओनर्स कमिंग इन, तो आप उस नर्वसनेस को यू कैन पुट दैट टू रेस्ट। टॉड बोली के अगर आप इन जनरल उसके बारे में पढ़ो तो ही इज अ वेरी डेटा एनालिटिक्स ड्रिवन पर्सन, उसका जो मॉडल ऑफ सक्सेस फॉर द क्लब इज फर्स्ट इट्स शुड बी अबाउट विनिंग एंड देन सेकंड इट इज अबाउट बिल्डिंग अ कम्युनिटी, दैट इज हाउ ही परसीव्स फुटबॉल, फुटबॉल को नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह नहीं व्यू करता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है चेल्सी फैंस के लिए, बिकॉज एक आपको जो होता है ना कि दो तीन महीने से जो आपके जब से एवर सिंस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद से जब से अब्राहमोविच ने कहा कि मैं क्लब बेचने वाला हूँ, तो चेल्सी फैंस बिल्कुल ही एक नर्वस एनर्जी हो गई थी ऑन द फील्ड भी, जैसे टूशेल ने भी कहा था ऑन द फील्ड भी उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही थी, बिकॉज दे आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, चैंपियंस लीग में भी बहुत ड्रामेटिक फैशन से आउट, और प्रीमियर लीग में भी आप देखो तो दे आर नॉट इन सॉर्ट ऑफ नो मैंस लैंड में है वो, क्योंकि टॉप फोर में वो सेफ है बट दे आर नॉट close to the title at all, and then also matlab ek ambition hota hai na, you really don't know, they are safe in their position, agar wo ek do match haar bhi rahe jaise abhi Everton se haar gaye, they still not threatened by you know getting out of the top 4, to ek wo top 4 mein hai but uske zyada unka na ambition hai aur usse kam hai, FA cup pe bas ek saving grace hai Chelsea ka is season, because that is the only shot at silverware they have, and they are in the final facing Liverpool again, Carabao cup final mein haar gaye the, to aap keh sakte ho if
दे विन दी एफ ए कप, एक इसके लिए बहुत अच्छा फॉलोअप अपडेट होगा चेल्सी फैंस के, फॉलोअप एक मोमेंट टू रिजॉइस होगा. बट इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ये जो पूरी इंस्टेबिलिटी थी भाई, एक्सपेल होने वाले थे प्रीमियर लीग से, कि प्रीमियर लीग वॉज यू नो, अगर वो रजिस्टर नहीं कर रहे थे नए ओनर्स तो दे वर थ्रेट टू बी एक्सपेल्ड. और जो लोन की भी बात चल रही थी कि 1.5 बिलियन का लोन है पहले, कि भाई ये अब्रामोविच की बात चल रही थी कि ही इज नॉट गोइंग टू बी यू नो वेविंग इट अवे. बट फाइनली अब्रामोविच ने भी दो दिन पहले कह दिया कि नो आई एम नॉट गोइंग टू बी चार्जिंग एनी सॉर्ट ऑफ लोन, दिस लोन इज वेव्ड ऑफ फ्रॉम माय एंड. एंड ये लोन इसलिए इकट्ठा हुआ था क्योंकि अब्रामोविच वॉज यू नो गोइंग बियॉन्ड हिज मीन्स, वो बियॉन्ड हिज मीन्स जाके चेल्सी को इतना इन्वेस्ट कर रहा था. ही मेड चेल्सीज लोन नेटवर्क इज परहैप्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, चेल्सीज अकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ एंड द वर्ल्ड राइट नाउ. तो अब्रामोविच ने बहुत काम किया, ही मेड चेल्सी इनटू अ सुपर पावर. तो द ओनली थिंग विच चेल्सी फैंस वांटेड एंड विच इन जनरल, अगर आप फुटबॉल फैंस हो, यू वांट कंपटीशन टू बी मेंटेन्ड इन द प्रीमियर लीग, आप लोग भी यही चाहते थे, हम लोग ये चाहते थे कि यार एक ऐसे ओनर्स आए जो इस इंस्टीट्यूशन को, एक फुटबॉल इंस्टीट्यूशन है, इसको मेंटेन करें, इसकी जो कॉम्पिटेटिवनेस है वो मेंटेन करें. एंड ये जो लिवरपूल सिटी की हम आजकल कहते हैं जो एक थोड़ी सी डुओपोली बन गई है, इसको ब्रेक करें. न्यूकासल के आने से वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है दो तीन साल बाद होगा, बट अब चेल्सी को स्टेबिलिटी मिलने के बाद हो सकता है कि चेल्सी विल ऑल्सो मूव ऑन एंड नेक्स्ट सीजन दे विल बी कम्पीटिंग फॉर द प्रीमियर लीग एज वेल. सो ओवरऑल आप इस मूव को देखो तो यार देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन टू सेलिब्रेट. ये टॉड बोली का जो इन्वेस्टमेंट आया है, द टाइप ऑफ पर्सन ही इज, वेरी हैंड्स ऑन विद फुटबॉल. यस ही सीज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच ही वॉन्ट्स टू यू नो कमर्शियली, कमर्शियल आई से देखोगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप इन्वेस्टर हो, आपको पैसे अपने इन्वेस्टमेंट पे वापस कमाने हैं. बट चेल्सी फैंस जो चाहते थे कि स्टेडियम रीडेवलप हो, उनकी अकेडमी मेंटेन रहे, उनमें ट्रांसफर्स ट्रांसफर की फ्लो मेंटेन रहे, मैनेजर कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, चार पांच चीजें जो चेल्सी फैंस चाहते थे, दैट इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ. बिकॉज भाई स्टेडियम की बात करो, आप किसी की बात करो, हर चीज में ही टॉड बोली इज वेरी विलिंग टू इन्वेस्ट एंड डेवलप द क्लब एंड ग्रो द एंड डेवलप द क्लब एंड ग्रो द क्लब इन टू अनदर जायंट. वो चाहता है कि चेल्सी कम्पीट्स विद द साइड्स लाइक रियल मैड्रिड, जो चैंपियंस लीग रॉयल्टी है, द बिग क्लब्स ऑफ यूरोप. एंड वो चेल्सी को बस जो अब्रामोविच की सक्सेस है उसको प्रोलॉन्ग करना चाहता है. तो अ लॉट ऑफ रीजन टू सेलिब्रेट, कांग्रेचुलेशंस चेल्सी फैन. आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस टेक ओवर पे, व्हाट आर योर व्यूज, आर यू स्केप्टिकल, आर यू पॉजिटिव और आर यू नेगेटिव, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय.